देश भर में गणेश चतुर्थी का त्यौहार धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। राजधानी शिमला के कसुम्पटी स्थित लक्ष्मी नारायण मंदिर में भी गणपति महाराज विराजमान हुए हैं, जहां गणपति महाराज की 10 दिनों तक विधिवत पूजा अर्चना की जाएगी। साथ ही मंदिर में गणपति मित्र मंडल द्वारा श्रीमद् भागवत महापुराण का भी आयोजन किया गया है, जिसमें राकेश पंडित द्वारा कथा का वाचन किया जा रहा है। जो दूसरे को सम्मान चरणों में प्रणाम किया और फिर कहा, प्रभु आपका आगमन इस गुफा में आज कैसे हुआ है, क्या कारण है जो आज आपने इस भक्त पर कृपा दृष्टि करी है, कृपा करी है, क्या कारण है? प्रभु श्री कृष्ण कहते हैं कि सुनो जामवंत, मैं द्वारिका का राजा, द्वारिकाधीश प्रभु श्री कृष्ण। हमारे द्वारिका में एक राजा है सत्राजित, जिसने सूर्यदेव की आराधना करके एक समंतक मणि को प्राप्त किया। मंडल के सदस्यों ने शहरवासियों को कथा श्रवण के लिए आमंत्रित करते हुए बताया कि 7 वर्षों से इसका विधिवत आयोजन किया जाता आ रहा है, जिसमें स्थानीय जनता का पूर्ण सहयोग रहता है। में जो गणपति जी का उत्सव महाउत्सव होगा, गणपति देव जी हमारे प्रथम पूज्य देवता है पूरे हिंदू धर्म के, और माता रानी उनकी माँ है। तो इस बार हमारे गणपति मित्र मंडल ने ये जो आयोजन किया है बड़ा ही भव्य है। साथ में हमें श्रीमद् देवी भागवत महापुराण का भी प्रवचन राकेश पंडित जी के द्वारा सुनने को मिल रहा है। तो हमारा सबसे यही निवेदन है कि सब लोग आए, पूरे कसुम्पटी, पूरा शिमला और पूरे आसपास के सब लोगों से हमारे यही निवेदन है कि सब लोग आए और इस महादेवी भागवत महापुराण का आनंद उठाएं और गणपति जी का भी दर्शन करें। ये जो उत्सव हमारा कराया जा रहा है, ये 7 वर्षों से लगातार चल रहा है। इस उत्सव में हम सब विशेष रूप से गणपति जी का पूजन करते हैं, इनका वंदन करते हैं। हर वर्ष की भांति इस वक्त हम गजानन मित्र मंडल की तरफ से इसका आयोजन कर रहे हैं। गजानन गणपति जी के पूजन के साथ साथ इस वक्त देवी भागवत का पाठ भी कराया जा रहा है। जो हमारे राकेश पंडित जी हैं, राकेश शर्मा जी हैं, वो इस पाठ का हमें ज्ञान दे रहे हैं। इसका हमारे सबको इससे सुन के हमें बहुत प्रसन्नता हो रही है और बहुत ही विशेष ज्ञान हमें मिल रहा है। इसका आयोजन 10 दिन तक चलता है। इस आयोजन में हम 15 तारीख को बहुत विशाल भंडारे का आयोजन करते हैं। उससे पहले पूर्ण आयुति के लिए हम हवन होता है और 16 तारीख को माहीपुल में इसका विसर्जन किया जाएगा। हमारा जे गणपति उत्सव पिछले 7 सालों से लगातार कर रहे हैं, हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी हम मना रहे हैं। इसी गणपति पंडाल में इस बार हमने पहली बार देवी भागवत कथा का आयोजन भी किया है, जो 9 दिन तक चलेगा और 16 तारीख को हम लोग गणपति जी का विसर्जन कर लेंगे। जी, ये गणपति पंडाल में गणजनन मित्र मंडल के बैनर तले सारे कसुम्पटी के क्षेत्रवासी इकट्ठे होकर समाहित रूप से ये करते हैं। सब किसी एक का कार्यक्रम नहीं है, पूरे कसुम्पटी क्षेत्र के वासियों का ये कार्यक्रम रहता है। जी।